रोमांचक मैच में छक्कों की बरसात हुई और धोनी की चेन्नई सुपर किंग जीत गई और अंतिम दो ओवरों में चेन्नई के लिए मैच बना ले गया धोनी का ये मिस्ट्री बॉल। क्या है पूरी जानकारी, चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं खुशबू वर्मा, आप देख रहे हैं नजर टुडे। इस मुकाबले में क्रिकेट के प्रशंसकों को वैसा सब कुछ देखने को मिला जो वे महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली की मौजूदगी वाले मैच में देखने की उम्मीद करते हैं। डेवन कॉनवे, अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, फाफ डुप्लेसी, ग्लेन मैक्सवेल, दिनेश कार्तिक की तूफानी पारी देखने को मिली। रहाणे और कार्तिक को छोड़कर इन सभी खिलाड़ियों ने तेज अर्धशतक जमाए। इनमें से किसी भी बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट 184 से कम नहीं था। मैच में रिकॉर्ड छक्के बरसे। मैक्सवेल डुप्लेसी के पिच पर रहते आरसीबी के लिए मैच आसान दिख रहा था, लेकिन अंत में एक बहुत करीबी नतीजा आया। अंतिम ओवरों में शानदार गेंदबाजी देखने को मिली। यहां तक कि यह उन बहुत कम मैचों में से एक था जब मैदान में धोनी की भावनाएं भी उनके चेहरे पर साफ पढ़ने को मिली। मैच के दौरान धोनी खराब और सुस्त फील्डिंग पर एक दो बार तमतमाते हुए भी दिखे। इतना सब कुछ हुआ और नतीजा धोनी की चेन्नई सुपर किंग की टीम के पक्ष में आया। तो 2026 का एक बड़ा स्कोर खड़ा करने के बावजूद केवल 8 रनों से जीतने में कामयाबी हुई। दूसरी ओर बहुत लाजवाब प्रदर्शन करने के बावजूद रॉयल चैलेंज बैंगलोर की टीम इस सीजन की तीसरी हार से खुद को नहीं बचा सके। रिकॉर्ड्स 33 छक्के लगे हैं। यह आईपीएल के उन मैचों में से था जिसमें रिकॉर्ड सर्वाधिक 33 छक्के लगे। ESPN क्रिक इन्फो के मुताबिक आईपीएल के किसी एक मैच में दोनों टीमों की ओर से सबसे अधिक 33 छक्के लगाने का रिकॉर्ड है। आईपीएल में ऐसा 3 मैच में हुआ है। तीनों मौके पर एक टीम चेन्नई सुपर किंग की रही। ग्लेन मैक्सवेल ने अपनी पारी में 8 छक्के जड़े। इस आईपीएल सीजन के किसी एक पारी में सबसे अधिक छक्के लगाने के मामले में वे दूसरे स्थान पे हैं। इस सीजन में सबसे अधिक छक्के त्रिशुराज गायकवाड़ और वेंकटेश अय्यर ने लगाए हैं। दोनों ने अपनी एक पारी के दौरान 9 छक्के जड़े हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें नजर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। शुक्रिया।